एक समय कांग्रेस देश की प्रमुख पार्टी थी। दरअसल कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचार है, एक आंदोलन है। कांग्रेस जैसी परंपरा किसी और पार्टी की नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहां एक प्रमुख राजनीतिक दल आज अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों में भी पिछड़ गई है। यह एक तथ्य है कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र में सकारात्मक रूप से काम नहीं कर रही है, ऐसा आशीष देशमुख द्वारा पत्र में लिखा गया। इसके साथ ही नाना पटोले को कांग्रेस के अभिजात वर्ग ने बड़े आत्मविश्वास के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद का पदभार सौंपा था, लेकिन यह विश्वास पूरी तरह से झूठा साबित हुआ है। विधायक को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। सर्वविदित है कि प्रदेश अध्यक्ष की मेहनत से यह गढ़ अब कांग्रेस के हाथ से निकल गया। सत्यजीत तांबे के विद्रोह ने कांग्रेस को बदनाम किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नाना पटोले जिम्मेदार है। पटोले के कार्यकाल में पार्टी को लगातार उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का भविष्य महाराष्ट्र की जनता के हाथ में है। कांग्रेस को निर्णायक भूमिका निभानी होगी। उसके लिए मजबूत नेताओं और कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार करना होगा। नेता और कार्यकर्ता फिर जरूरी मेल खाएंगे, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता और कार्यकर्ताओं के बीच कड़ी यानी महाराष्ट्र क्षेत्र के नेतृत्व का होना जरूरी है। इसीलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति में सुधार के लिए महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की तत्काल आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो महाराष्ट्र के गांवों में घूमकर जनता के मुद्दों को उठाए और कांग्रेस की स्थिति को मजबूत करे, ऐसा निवेदन आशीष देशमुख द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।